महोत्सव है मिसिस डेजर्ट के अंदर, मिसिस के अंदर पार्ट से जो महिलाएं कर रही है उनके उनसे मिलाऊंगा, उनकी क्या क्या तैयारी है वो आपको आगे आ जाएगा। कहाँ से आए हो? मैं जयपुर से। जयपुर से तो आप जयपुर से स्पेशल इसी प्रोग्राम के लिए आए हो क्या? मिस मुमल के लिए नहीं आई हूँ, मिसेस जैसलमेर के लिए आई हूँ। मिस जैसलमेर के लिए आए हो, तो आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दोस्तों या आप देख सकते हो कि जयपुर जिले से भी यहाँ पे इस प्रतियोगिता में भाग ले। इनमें से जिसका नाम लॉटरी में निकलेगा वो होके विजेता, इन दोनों में से एक। और देखते हैं ये नाम मैडम खुद ही बताएंगी। प्रथम अंक 37। जी हाँ, जी के साथ लॉटरी से चुने गए विकास पहले स्थान पे, दूसरा स्थान आरव सिंह राजपुरोहित, और तीसरे स्थान पर फिर भाई है पहले नंबर था। पहला स्थान सर्वेंट टाइम कॉम्पिटिशन जो इंडियंस के बीच में उनके नाम की लॉटरी निकलेगी वो रहेंगे सेकंड, और जो रह जाएगी स्लिप वो तीसरे स्थान पर रहेंगे। बहरहाल पहला स्थान जिनका है उनका पहला स्थान कायम रहेगा। वीडियो इसी तरह में कर सकते हैं। तो द्वितीय स्थान में है शिव रतन व्यास, दो प्रतिभागी थे द्वितीय स्थान पर, हमने इन्हीं का नाम बताया है। और आप सभी के सामने निर्णय लिया जा रहा है पारदर्शिता के साथ, निष्पक्ष निर्णय। हमारे पास पहले आ चुका है, वो है मिसेज जैसलमेर
आपको लगा था कि मिसेस जैसलमेर बन जाऊंगी? लगा नहीं था, सारी ही कंटेस्टेंट ब्यूटीफुल थी, लेकिन हाँ मन में जरूर अपने पे कॉन्फिडेंस था और पायल साथ में थी, इसने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, इन्होंने आपकी हेल्प की है? जी, इसने पूरा मेरी हेल्प, इसने सबकी हेल्प की। जैसे आप मिस मुमल, मिस मुमल 2022 विनर सर। अच्छा, तो इन्हें आपने इनकी हेल्प की थी? सर मैंने इस बार पूरे राजस्थान में मिस मुमल को फेमस किया और 26 प्रतिभागियों को लाने में सर मेरा पूर्ण सहयोग था, सभी को मैंने ही बुलाया है। वो ये जो पहनावा है वो कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है, हमारा पहनावा यही है, मैं हमेशा ही पहनती हूँ, शादी ब्याह में यही पहना जाता है। बस इस फंक्शन के लिए कुछ ट्रेडिशनल ज्वेलरी और अरेंज करनी थी, वो मैंने करी। आपकी टोटल पोशाक में कितना वेट होगा ये बता सकते हो? इतना सर काफी वेट होगा, 3-4 किलो तो होगा यार, 4 किलो मान लीजिए, 5 किलो मान लीजिए। लेकिन इनको इसको आप पहनते हो तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है? एक टाइम के बाद होता है, लेकिन एक बार के लिए अच्छा लगता है क्योंकि हमारी संस्कृति है, पहनना अच्छा लगता है। बधाई हो। कहाँ से हो आप? हम पाली से। पाली से, तो ये आप फर्स्ट बार इसमें भाग? मैं 3 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, बाकी पार्टिसिपेट मैंने लास्ट ईयर और यहाँ आज किया, दो बार पार्टिसिपेट किया मैंने, दो बार किया। लास्ट ईयर मैं मुसरी रहा हुआ हूँ, इस बार मैं मरुसरी बना हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत ऐतिहासिक पल है मेरे लिए, बहुत खुशी का ठिकाना नहीं है। जो मेरे से इसमें बीएड को लेकर बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, और मेरी एक बहुत बड़ी टीम भी है जो हम राजस्थानी संस्कृति के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आपका जैसे ये इसमें आप कितने समय से इसकी तैयारी कर रहे हो? सर पिछले 5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूं। नहीं, जैसे प्रो, जैसे 5 साल से तो तैयारी कर रहे हो आप, दाढ़ी मूंछों की तैयारी, लेकिन अपने शरीर का भी एक अलग ख्याल रखना पड़ता होगा सर। ये पिछले 5 साल में, मतलब पिछले 3 साल से रेगुलर हम बॉडी विद बीएड का बिल्कुल 101% हर तरह से ध्यान रखते हैं, जिससे हमारे शरीर को क्या पहनना है, हमारे बॉडी का फिट नहीं बढ़ना चाहिए, दूसरा बीएड कैसे रखनी चाहिए, बीएड के कैसे अच्छी लग सकती है, बीएड में कोई डस्ट वगैरह, इस काफ़ी चीज़ें होती है सर, गहराई में जाना पड़ता है सर। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर।